यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करते हुए उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय में ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा तो करा दी गई, लेकिन परीक्षा के बाद छात्रों के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। जिन छात्रों के 50% मार्क्स भी आए हैं तो उनको पीजी में प्रोविजनल एडमिशन दे दिया गया है, लेकिन 60 से 80% अंक वाले छात्रों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है, जिससे ऐसे हजारों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें प्रोविजनल प्रवेश लेने के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्राप्त अंकों को गुणा अनुक्रम के आधार पर करने की बात कही गई थी, लेकिन पीजी में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के बाद भी 60 से 80% अंक लाने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। इससे छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और कॉलेज के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि आपको लास्ट ईयर रिजल्ट डालना है, तो सर हमने उसमें जो ऑप्शन था उसमें पास, अवेटेड एंड सप्लीमेंट्री ऑप्शन था, तो सर उसमें मैंने अवेटेड डाला है। तो सर अब वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा क्योंकि मेरा अवेटेड है, तो वो मुझे मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे रख रहे हैं, जबकि मेरे परसेंटेज 80% है एंड मुझसे जो कम परसेंटेज है उन बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है। रेगुलर 5 दिन से आ रही हूँ, पर मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि अवेटेड की वजह से मेरा एडमिशन यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। लिस्ट में 105 पे मेरा नंबर, तो मुझे जैसे कि अवेटेड है, तो सर जिन मेरे से जो इनकी कम परसेंट थी, मेरी 65% है, तो उन लोगों का एडमिशन हो गया है सीट्स बढ़ने के बावजूद भी, सर मेरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अवेटेड है। हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सर मेरे 78-75% हैं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और जिसका 50% है उसका हो गया। तो पहले तो इनिशियल स्टेज में हम लोग ये समझते थे कोई मेरिट होगी, कोई वेरिफिकेशन का रीजन होगा ऐसा, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे आने लगे तो फिर उसको जब ध्यान से उसकी एनालिसिस की गई तो उसमें ये देखा गया कि जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर उसमें रजिस्ट्रेशन टाइम में डाला था और रिजल्ट उन्होंने अवेटेड लिखा था, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। और उसी के साथ का यदि कोई स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नंबर डाला और रिजल्ट उसने धोखे से गलती से जैसा कि उसने पास लिख दिया और उसके नंबर बहुत कम है तो भी उसका एडमिशन हो गया। तो इस तरह से ये जो बच्चे रिजल्ट अवेटेड डालने के कारण वो बच्चे कंसिडरेशन जोन में आए ही नहीं।